बटरफ्लाई सना, ये क्यूट है ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जब भी करूँ मैं ही फोन करूँ, वरना तुम तो अपनी माँ को भूल ही गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, राशिद को भी कबूल कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरी छोड़े आप अपनी बताएं, दवाई तो ले रही है ना, भूलती तो नहीं है। मैं भूल जाऊं या तुम्हारे अब्बा, अगर जवाब हमें भूलने देते हैं। जवाब? हाँ, बड़ा नेक और प्यारा बच्चा है, बहुत ख्याल रखता है हमारा। बिना कहे घर का सौदा सेल्फ लाना हो, डॉक्टर के पास जाना हो, सब याद होता है उसे। अल्लाह उसे बहुत खुशियां दे। हमें महसूस ही नहीं होता कि हम अकेले हैं। हाँ अम्मी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ, वो सना को जरा देख लूँ। हाँ, इश्क तेरा सताए सांस है थमी सी, नैना मेरे बहते जा, ऐसी जो वफा की गम की चुभन है फिर रुलाए, हम बर मिटे हैं दिल लगाए, सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मना। कौन? क्या बात? तुम्हारा शुक्रिया अदा करने है। किस बात का शुक्रिया? मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया। मम्मी अब्बू का जो ख्याल रखा है उस सब का शुक्रिया, लेकिन आइंदा ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जिंदा हूं, अपने माँ बाप का ख्याल मैं रख लूंगी। मेरे चचा और चची हैं, उनका क्यों ना ख्याल रखूं? पूछ सकती हूँ किस रिश्ते से? इफ्रा, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है जो तुम कहना चाह रही हो, लेकिन मैंने किसी रिश्ते की वजह से नहीं बल्कि रिश्तेदारी की वजह से उनका ख्याल रखा है और रखता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है और फर्ज है।
रुक्रा। ये क्या चक्कर है? वैसे तो कहती इसको अकेला नहीं छोड़ना, कमरे में अकेला छोड़ के चली गई। रुक्रा बात कहूं, ये रिश्ते जो हैं ये मैं सिर्फ कहने से टूट नहीं जाते, खत्म नहीं हो जाते। सब कुछ भूल चुका हूं। अगर तुमने अपनी जिंदगी आसान बनानी है तो तुम भी सब कुछ भूल जाओ जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान। दिल मेरा जो कह ना पाए, आँखों ने वो कह दी, साथ रह के मिलना प्लीज। इस तरह अकेले मेरे कमरे में मत आना। हमसे खता क्या हो गई थी, है बेवजह से। कमाल है इफ्रा, इफ्रा जरा, तुम तो बड़ा मुझे कह रही थी कि इसको अकेला नहीं छोड़ूंगी, कहीं और नहीं जाऊंगी, परेशान हो जाती तुम्हारे बगैर, तो कहां गई हुई थी? मैंने पूछा कहां गई थी, जवाब दो। आपको नहीं पता मैं कहां गई थी जो अनजान बन रहे? पता है मुझे, तभी तो पूछ रहा हूं। और बकवास क्यों कर रही हो आगे से तुम? मुझे हाथ भी मत लगाना। ये आखिर चल क्या रहा है? इसका मतलब है दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे जवाद से पूछना चाहिए। नहीं भाई, ये मेरा छोटा, अम्मा से बात करूंगा सुबह। लड़की आखिर घर कह रही है और चाहती क्या है? इसका दिमाग भी दुरुस्त करना होगा। जानता तो मैं पहले से ही हूं कि इसने शादी की हामी सिर्फ सना की वजह से भरी है। इसके दिल में आज भी जवाद ही है, उसी की तरफ झुकाव है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो कुछ अब कर रही है ना वो ठीक नहीं है। इसको क्या लगता है मैं बेगैरत हूं? भूल है इसकी, जान से मार दूंगा लेकिन ऐसे तलाक नहीं दूंगा इसको।
राशिद, ये तेरा वहम भी तो हो सकता है। वहम क्यों होगा मेरा? अपनी आंखों से देखा मैंने। आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता, वहम और गुमान भी होता है। मैं कह रहा हूं मैंने खुद देखा है, मुझे क्यों गुमान होने लगे? आप खुद बताएं, क्या तरीका है उसके कमरे में जाना, वो भी रात के वक्त? क्यों जाएगी वो? कोई बात करने गई होगी। अच्छा, बात करनी है तो बात के लिए दिन का उजाला नहीं था, रात का अंधेरा क्यों ढूंढा उसने? मैं बता रहा हूं आपको, दाल में कुछ काला है, लिखवा ले मुझसे। तो तुम इफ्रा से क्यों नहीं पूछते हो क्या कर रही थी आधी रात को उसके कमरे में? मैं क्या पूछूं, सीधे मुझे जवाब ही नहीं देती, उल्टा धक्के देती मुझे, अजीब चीज है। वैसे हैरत है राशिद, एक औरत काबू नहीं होती तुझसे। तो रुक, मैं बात करती हूँ उससे। इफ्रा! अम्मी रहने दें, आप रहने दें, छोड़े। आप पे कोई बात डाल देगी और मेरी बच्ची को लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। या अल्लाह, तू कब से डरने लगा उससे? डरती है मेरी जूती, मैं क्यों डरने लगा? अपनी बच्ची की वजह से चुप हो, उसका ख्याल आता है मुझे बार बार, मजबूर हूँ बस। अच्छा बता, क्या चाहता है तू? मैं ये सोच रहा था आप जवाद को ना बाहर भिजवा दें। क्यों? इसमें इतना हैरान होने भी क्या बात है, पहले भी तो बाहर ही रहता था वो, अब जब मैं कह रहा हूँ तो हैरान हो रही है। बीवी संभाली नहीं जा रही, दुश्मन बन गया भाई का। दुश्मन नहीं बना बस आप। अच्छा बस, सोचती हूँ, करती हूँ बात जवाब। ये अपने भाई पर ना नजर रख, पुरानी मोहब्बत मरती नहीं है, क्या पता फिर दोबारा जाग जाए। देख तू बेवकूफ है, तू नादान है, उसने अच्छा बनने के लिए ना कुर्बानी तो दे दी, लेकिन तुझे क्या पता उस कुर्बानी के पीछे उसका क्या मकसद है? जी राशन, कोई काम है आप? मुझे ये बता क्यों कर रहा है ये सब? क्या सब? ज्यादा मासूम काका ना बन, इफ्रा से मेरी शादी करा के तुझे क्या हासिल हो रहा है, क्या मकसद है? आसमे क्या मकसद हो सकता है? तू बता, बताना, तुझे पता होगा कौन ऐसे अपनी मोहब्बत को छोड़ता है। मैं मानता हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन वो अब आपकी बीवी है, उससे तो शर्म करें, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। तू मुझे बता, ये क्या राज और न्याज की बातें होती हैं तुम दोनों के बीच में? राशिद भाई, यू आर क्रॉसिंग द लिमिट, बस कर दें। ज्यादा अंग्रेजी ना बोले, रुक बता ना कमरे में क्या कर रही थी तेरे वो, क्या बातें हो रही थी, बोल सच बता मुझे। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जो शक है ना ये आपका दिमाग खराब कर रहा है। रुक इधर, बात सुन, मेरा मीटर मत घुमा, मुझे साफ साफ बता क्या ये सब, समझा मुझे। कोई जवाब नहीं मेरे पास आपके। जवाब तो तुझे देना होगा, किस करते हैं यार। अबे चूंटी के भी पर निकल आए हैं, कर लूंगा ठीक तुझे भी बेटा। फैक्ट्री में तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने कौन सा तमाशा लगाया है? तमाशा तो मेरा लगा पड़ा है इस घर में। ऐसा क्या हो गया है तुम वावेला मचा रहे हो? पूछे आप, पूछे ना इससे, ये बैठा हुआ आपके सामने, और इससे भी पूछे, चुप करके बैठी हुई है, जवाब दो, बताओ मुझे,
क्या करने गई थी उसी कमरे में? शर्म करो, तुम्हारी बीवी आई है तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, मैंने कब का बीवी नहीं है। अरे आप मेरे बच्चे को चुप करवाने की बजाय अपनी लाडली बहू से क्यों नहीं पूछते कि क्या करती फिर रही है ये? हाँ, और जब यही सब कुछ करना था तो फिर ये कुर्बानी का ड्रामा क्यों किया मेरे साथ? बस कर दे राशिद भाई, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूं इसके बारे में। कुछ तो रिश्तों का एहतराम करें आप। हर बार मैं आपको कह चुका हूं कि मेरे लिए इफ्रा काबिले एहतराम है, आपकी वजह से, आपके रिश्ते की वजह से। उसके बावजूद आप मुझ पे शक कर रहे हैं, उस पे शक कर रहे हैं। थोड़ी सी तो शर्म कर ले आप। ओ भाई, शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए, उल्टा मुझे शर्म दिला रहा है। लो देखो, जो मैं पूछ रहा हूं बस उसका जवाब दे दो मुझे। ये वहां क्या करने आई थी तेरे कमरे में, वो भी रात के वक्त? ऐसी कौन सी बात थी जो दिन के उजाले में नहीं हो सकती थी? बोल। बात सुनो, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, और आपकी इन घटिया सोचों का जवाब मेरे पास नहीं। और इस घर में किसका कैरेक्टर कितना अच्छा है सब बहुत अच्छी तरह से जानते, मेरी जबान ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। और रही बात जवाब के कमरे में जाने की, अगर इस तरह मुझसे पूछोगे तो मैं कभी जवाब नहीं दूंगी। जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। दो जवाब, मेरा हक है पूछने का। किसने दिया ये हक? हमारे रिश्ते ने, जो साइन किए थे कागजात पे, शौहर हूं तुम्हारा। भूल गई? भूल तो तुम रहे हो, जिसके शौहर थे उसे तो उसका हक दे ही नहीं सके, और मुझसे हक लेने की बातें कर रहे हो। हाँ, अरे जाओ यहाँ से। रुको सर, तुझे तो मैं एक कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं आप? जुबान चला रही है? वही जो आदत है इनकी, और आदतें कभी नहीं बदलती। अरे अपनी गलती मानने की बजाय जबान दराजी कर रही हो तुम। कहा के वास्ते अम्मी, आप तो बस कर दे। खबरदार खबरदार, अगर एक लफ्ज भी तुमने इस बदकिरदार लड़के। नरगिस, नरगिस भाभी, आफिया आओ आओ, देखो देखो तुम्हारी लड़की क्या करती फिर रही है, दोनों भाइयों में फसाद करा रही है ये। किसी भी शौहर की खैरत इस बात को गवारा नहीं करती इफ्रा, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। आप भी मुझे इल्जाम दे रही? इल्जाम नहीं लगा रही, तुम्हें जमाने की ऊंच नीच बता रही हूं। देखो इफ्रा, तुम्हारा जवाद के साथ एक रिश्ता रहा है, इसलिए बेटा तुम्हें उसके हर मामले से दूर रहना चाहिए। मेरा जवाब से कोई लेना देना नहीं। जवाब और मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरा रिश्ता राशिद के साथ जुड़ा था। तो साबित करो इस बात को कि तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। अम्मी, बेटा तुम और जवाब इस रिश्ते को भूल सकते हो, दुनिया नहीं। तुम कुछ भी सोचोगे, दुनिया उस बात को उस रिश्ते के तराजू में तोलेगी। तुम अपने शौहर का, अपनी बेटी का ख्याल करो, सना का सोचो। तुम्हारी जिंदगी का मकसद वही है ना? और वैसे भी मर्द के दिल में एक दफा बाल आ जाए, सारी जिंदगी साफ नहीं होती। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है अभी, किसी की परवाह नहीं है मुझे। मैं गलत भी नहीं, फिर भी मैं आपकी बात का ख्याल रखूंगी।
भाईजान आप तो जानते मेरी इफ्रा ऐसी नहीं है, राशिद को कोई गलत फहमी हुई है मेरे ख्याल में। आंखों देखी गलत फहमी नहीं होती फयाज, अगर इफ्रा ने यही सब कुछ करना था तो राशिद से शादी के लिए उसने हाँ क्यों की थी। बस सब खामोश हो जाओ। हाँ भाई आफिया, अब कौन सी पट्टी पढ़ाकर भेजी है तुम्हारी बेटी ने? खुदा के लिए भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, जवाद और इफ्रा बेकसूर हैं, दोनों के दिल में कोई बात नहीं है, रिश्ता बदल गया है, इज्जत का रिश्ता है और ये बात वो दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नजर आ रहा है मुझे, तभी तो उसकी तरफदारी करी थी। उसने जान के कुछ नहीं किया बेटा, बस जो उसको ठीक लगा उसने बोल दिया। तुम अपना दिल मैला ना करो, वैसे भी समझा दिया मैंने उसे, अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस हो गई बात खत्म, आफिया ने समझा दिया, अब इस मौजूद पे कोई बात नहीं करेगा। वैसे एक बात है चची, इसकी तरबियत किसने की है? कुछ नहीं सिखाया आपने? दो गज की जबान है, दो गज की, इतनी लंबी, जो मुंह में आता है बोल देती है। वो हीरा थी समरा, हर चीज का पता था उसको, तमाम रिश्तों का एहसास करती थी, इज्जत करती थी, ख्याल रखती थी। क्यों मी बताएं, सही कह रहा हूं ना मैं? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और यही सवाल तुम्हारे बारे में ये लोग कर ले तो? लो आपका तो नजला मुझ पर ही गिरता है, मेरे पे आ जाए आप। नहीं नहीं भाईजान, जवाब चले गए वो लोग? हाँ चले गए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे। जो सोचते हैं उन्हें सोचने दो, तुम मुझे ये बताओ कि क्या करने आई थी वो आधी रात को तुम्हारे कमरे में? तुमने मना क्यों नहीं किया उसे कमरे में आने से? क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी, मेरा शुक्रिया अदा करने आई थी। देखो जवाब, मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। मुझे समझ नहीं आते किस तरह की बातें करती है। वो मेरा शुक्रिया अदा करने आई थी। शरीफ घरानों में बहुएं इस तरह से देवर के कमरे में नहीं जाती। अगर उसे शुक्रिया अदा करना था तो हम सबके सामने करती। और तुम किस खुशी में चचा के घर के चक्कर पे चक्कर लगाते हो? No, please. आप उसकी ताई है। सास नहीं लेकिन ताई होने का तो ख्याल कर सकती है ना? ख्याल है जबी तो, वरना मेरी जगह कोई और होती तो उसे बालों से पकड़कर उसके मैके भेजती। बेहयाई का कड़वा घूंट जो पिए बैठी हूं ना, वो भी इसी रिश्तेदारी की वजह से। बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें यहां रोक कर। काश काश तुम चले जाते। इस घर में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। तुम सारे किए कराए पर पानी फेरना चाहते हो। भाई ने खुद देखा था इफ्रा को तुम्हारे कमरे से निकलते हुए। उसके दिल में बाल आ गया तो कभी नहीं जाएगा, ये समझ लो तुम। बात हो सकती है आपसे? आशीर्वाद।
प्लीज मेरी एक दफा बात तो सुनो। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई, आपका दिल दुखाया मैंने, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और इफ्रा और मैंने ये जान के नहीं किया। इफ्रा बहुत शरीफ लड़की है, दिल की बहुत अच्छी है। तेरे से उसकी शराफत का सर्टिफिकेट नहीं मांगा मैंने, उसको मैं खुद देख लूंगा। अभी इतनी गैरत है मुझ में, पर तेरे पे अफसोस हो रहा है। तू अपने घर में ही नखब लगा रहा है। अब बस कर दे इल्जाम लगाना प्लीज। ओ, इल्जाम ही लगा रहा, तुझे एहसास दिला रहा हूं। अगर इतनी मोहब्बत थी ना तुझे तो मना क्यों किया था तूने? बोल, जानता हूं तेरे दिल में अब भी बसती है वो। राशिद भाई, मेरे दिल में अब इफ्रा का वो मकाम है जो आपकी बीवी का है। अच्छा तो फिर क्या लगी तेरी भाभी? हाँ तो फिर भाभी क्या, क्यों नहीं बुलाता उसको? बोल, बताएं आप चाहते क्या है मुझसे? जो चाहते हैं आप, मैं करने को तैयार हूं। बोले क्या चाहते हैं आप? देख तू भाई है मेरा, इसलिए मैं, तू कुछ अरसे के लिए यहां से चला जा, कुछ टाइम निकलेगा सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरे जाने से आपके ये मसले हल हो जाते और आप और इफ्रा खुश हो जाते तो मैं ये करने के लिए तैयार। तुम्हें यहां रोक कर, काश काश तुम चले जाते। उसके दिल में बाल आ गया तो कभी नहीं जाएगा, ये समझ लो तुम। अगर इतनी मोहब्बत थी ना तुझे तो मना क्यों किया था तूने? बोल, जानता हूं तेरे दिल में अब भी बसती है वो। ढूंढ ले ऐसे अपना ठेका, तू कुछ अरसे के लिए यहां से चला जा, कुछ टाइम निकलेगा सब ठीक हो जाएगा। दिल को जलाना छोड़ दिया है तुमने, हमको मनाना। मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब आऊंगा। मेरी वजह से तुम्हें जो भी दुख और तकलीफ पहुंची, हो सके तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख और तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ इस घर उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं था, मैं उसे बदल नहीं सकता। तुम्हें मजीद दुख नहीं देना चाहता। मैं जानता हूं कि जब तक मैं यहां रहूंगा तो ये हमारे माजी के रिश्ते को कभी भी नहीं भूल देंगे। माजी का हवाला हमेशा तल्ख होता है, दुख देता है। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, सब कुछ, लेकिन तुम्हारी इज्जत पे कीचड़ उछाले वो मुझसे नहीं होगा। उससे बेहतर है कि मैं चला जाऊं, वही मैं कर रहा हूं। मेरी दिल से दुआ है राशिद भाई के साथ हमेशा खुश रहना। सही सोचा है तुमने, तुम्हें तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। तुम जैसे उस दिल शख्स के लिए फरार से बेहतर कोई और रास्ता नहीं है। इश्क तेरा
सताए सांस है थमी से नैना मेरे बहते जाए ऐसी जो वफा की गम की चुभन है फिर रुलाए हम मर मिटे हैं दिल लगाए सीखा है तुमने पड़ा दिल को जलाना छोड़ दिया है तुमने हमको इफ्रा नहीं आई इसे मिलने। लगता है जवाद सच ही कह रहा था, इनके बीच में कुछ भी नहीं है। क्या हुआ जवाद, तुम्हारी आवाज़ क्यों इतनी भारी लग रही है? ठंड लग गई? अरे तो बाहर जाते हुए तुमने ठंड का इंतज़ाम नहीं किया था? अरे बेटा तुम कोई पहली बार थोड़ी बाहर गए हो, कनाडा में तो इससे ज़्यादा ठंड होती थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल करो और गर्म रखो खुद को। हाँ खुदा हाफिज़। जवाद को क्या हुआ? बीमार हो गया वहाँ जाकर। इफ्रा से भाग के गया ना? अरे नहीं भाई, इफ्रा से भागकर क्यों जाएगा, दफ्तर की तरफ से उसे पहले ही जाना था। अच्छा बताओ इफ्रा कैसी? बहुत ही चालाक लड़की है, समरा के तो मुंह में जबान नहीं थी और इसकी जबान ऐसे चलती जैसे कैंची। माशाल्लाह क्या लंबी उम्र है, अभी तुम्हारी बात हो रही थी। बुराई हो रही थी ना मेरी, तारीफ कर रही थी नरगिस कि कितनी अच्छी तरह से तुमने सना और राशिद को संभाला है। तारीफ? वो भी मेरी? भाई कमाल हो गया ये तो, मतलब आज से पहले तो मैं और मेरी बहन अपनी माँ की चलाक लड़कियाँ थी जिन्होंने इनके दोनों बेटों पर जादू कर रखा था। खास तौर पे मैं तो थी मक्कार, इनके हैंडसम जवान लड़के को फंसा जो लिया था। क्यों ताई अम्मी? ये पुरानी बात, गुस्से में कह दिया करती थी मैं। गुस्सा नहीं था, अपनी दौलत का खुमार था और हमारी गुर्बत का मजा, जिसने आपको इतनी शह दे रखी थी कि जब चाहे जहां चाहे हमें कुछ भी कह लेती थी। बेटा जी खानदानों के बड़े जो होते हैं वो इसी तरह से बोलते हैं, तुमने दिल पे क्यों लगाई? हाँ जी बिल्कुल, और आप जैसे बुजुर्ग हमेशा उन बातों को बढ़ावा देने और जलती पर तेल डालने के लिए मौजूद होते हैं। आप यहाँ क्या करती रहती हैं हर वक्त, घर में कोई काम नहीं है आपको? तौबा ना उसु बिल्ला, मैं क्यों घर बदलूं, बहन के घर आती हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम, बड़े छोटे से बात करने की कोई तमीज है तुम्हें? तमीज बहुत है मेरे अंदर तायमी, लेकिन ये तमीज मैं हर जगह इस्तेमाल करके जाया नहीं करती। तमीज तमीजदार लोगों के लिए होती है। नरगिस मैंने कहा था ना कैंची की तरह जबान चलती है इस लड़की की,